बुलंदशहर मिनी बैंक लूट मामले में दो अलग अलग मुठभेड़ के बाद घायल अवस्था में चार लुटेरे गिरफ्तार। सुवाट, औरंगाबाद, गुलावठी और अगोता पुलिस और लुटेरों के बीच दो अलग अलग स्थानों पर हुई मुठभेड़। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से घायल हुए विकास शर्मा, उत्तम रिहान और अंकुर, चारों लुटेरों को घायल अवस्था में जिला अस्पताल में कराया भर्ती। विकास पर 10, उत्तम पर 4 और रिहान पर 2, अंकुर पर 4 मुकदमे हैं दर्ज। पहली मुठभेड़ स्वाट टीम और औरंगाबाद पुलिस के बीच औरंगाबाद क्षेत्र थाना क्षेत्र में हुई। दूसरी मुठभेड़ गुलावठी अगोता पुलिस और दो बदमाशों के बीच हुई। लुटेरों के कब्जे से 1.14 लाख रुपए, 4 तमंचे, बाइक और आधार कार्ड बरामद। 28 नवंबर को दो बाइकों पर सवार लुटेरों ने मिनी बैंक में से लूटे थे 2.51 लाख रुपए। बुलंदशहर से इकराम खान की खास रिपोर्ट। बात के जिताका गांव में 28 तारीख को एक घटना हुई थी, जिसमें कि एक कस्टमर सर्विस सेंटर जो कि पीएनबी बैंक से अफिलिएटेड है, उसमें दो बदमाश अंदर घुस गए थे, जिनके द्वारा अंदर से जो कैश था वो लूट लिया गया था। इस घटना के अनावरण के लिए थाना औरंगाबाद और एसओजी की टीम को लगाया गया था, जिनके द्वारा कुछ क्रेडिबल एविडेंस इकट्ठा किया गया और आज तड़के 4 बदमाशों को दौराने पुलिस मुठभेड़ गिरफ्तार किया गया, जिसमें से कि 2 बदमाश थाना औरंगाबाद क्षेत्र में पुलिस इंगेजमेंट के दौरान घायल हुए और 2 बदमाश वहां से भागने में सफल हुए थे, जिनकी कॉम्बिंग पूरे जनपद में कराई जा रही थी। इसी के दौरान थाना गुलावटी और अगौता की टीम द्वारा बॉर्डर पर चेकिंग की जा रही थी, तो 2 अन्य बदमाश जो कि एक मोटरसाइकिल पर सवार थे उनको घेरा गया, उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई और जवाबी आत्मरक्षा कार्रवाई में वो दोनों घायल हुए। कुल ये 4 बदमाश जो थे इनको पुलिस हिरासत में लिया गया और इनके पास से जो लूट की घटना हुई थी उससे संबंधित 1,16,000 रुपये, कुछ अवैध असलहे और एक मोटरसाइकिल जो कि घटना में प्रयुक्त की गई थी और एक अन्य चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पूछताछ पे इन्होंने बताया है कि इनको एक लोकल व्यक्ति के माध्यम से मुखबिरी हुई थी, जिसके आधार पर इन लोगों ने यह घटना कारित करी। उस व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए भी हमारी टीमें लगी हुई हैं और जल्द से जल्द उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। इनके पास से घटना में लूटी हुई संपत्ति बरामद की गई है, अवैध असलाह और मोटरसाइकिल बरामद करते हुए इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।